Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will continue our chapter number 4, that is carbon and its compound from class 10th NCERT science book. So far we have discussed about how a covalent bond is formed between different atoms like nitrogen, like oxygen molecule, like hydrogen molecule, and the simplest compound of carbon, that is methane, we had already discussed. So such bonds which are formed by the sharing of an electron pair between two atoms are known as covalent bonds. तो ऐसे bonds जो बनते हैं किससे, sharing of electron pair से, दो atoms के बीच में, उसे covalent bonds बोल देते हैं. ठीक है, covalently bonded molecules are seen to have strong bonds within the molecule, but intermolecular forces are weak. कि जो covalently bonded molecule होते हैं वो strong bond, अंदर तो बहुत ही strong bond होता है एक ही molecule के अंदर, लेकिन जो intermolecular force होती है, यानी दो molecule के बीच में लगने वाली force, वो हम intermolecular force कहते हैं. जैसे N2 एक molecule हुआ, N2 एक molecule हुआ. अब ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में किस तरह की फोर्स लगा पाए एक दूसरे के बीच में, उसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, और जो एक वीक फोर्स होती है. सो दिस गिव राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड्स. तो इसकी वजह से इनका लो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट रहता है इन कंपाउंड्स का, क्योंकि इनमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम है. तो सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स एंड नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम एटम्स के बीच में शेयर्ड हो रहा है और कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं बनता, तो सच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ऐसे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के. बिफोर मूविंग फर्दर, लेट्स इंपोर्टेंट वन मोर टॉपिक, दैट इज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. द एलिमेंट्स कार्बन अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स इन नेचर विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो जो कंपाउंड्स एक ही मेटल, एक ही एलिमेंट के बने हुए होते हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स होती है उनकी नेचर में, और उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट होगी, उसे हम एलोट्रॉप्स कह देते हैं. तो कार्बन भी इसी तरीके के कंपाउंड्स में आता है. तो एग्जाम्पल यहाँ पे क्या लिया, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म बाई कार्बन एटम्स. The difference lies in the manner in which the carbon atoms are bonded to one another. कि दोनों, चाहे डायमंड हो चाहे वो ग्रेफाइट हो. अब देखिए, ग्रेफाइट बिल्कुल अलग है, डायमंड अपने आप में क्या है, एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन होता है, लेकिन बने दोनों कार्बन से ही है. फर्क जो आया है यहाँ पे वो उनके बॉन्डिंग पैटर्न पे आया है. कि जो बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग होती है डायमंड और ग्रेफाइट में. तो इन डायमंड Each carbon atom is bonded to four other carbon atoms, forming a rigid three-dimensional structure. तो डायमंड में हर एक कार्बन एटम चार दूसरे कार्बन एटम से बाइंड होके और एक रिजिड, मतलब जो ना चेंज होने वाला, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है. इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स इन द सेम प्लेन गिविंग ए हेक्सागोनल एरे. तो यहाँ पे आप ग्रेफाइट देख रहे हैं कि एक कार्बन एटम जो है वो तीन दूसरे कार्बन एटम से बॉन्डेड है. ठीक है, और इस तरह से एक रिंग बना के ये एरे होता है. तो एक इस तरह से ये हेक्सागोनल रिंग टाइप बना, यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग दूसरा, और ये आपस में बाइंड होते हैं. तो ग्रेफाइट के अंदर ये लेयर्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स. सो वन ऑफ दीज बॉन्ड्स इज अ डबल बॉन्ड. इनमें से एक बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, एंड दस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड. और जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई हो जाती है, यानी चार उसके इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है और 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में पूरे हो जाते हैं. ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल एरे बीइंग प्लेस्ड इन लेयर वन अबव द अनदर, वन अबव द अदर. तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो लेयर एक दूसरे के ऊपर रखी रहती है. ठीक है, लेयर की, अब लेयर होगा तो कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें मिलेंगी. दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट इन द डायमंड एंड ग्रेफाइट हैविंग वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन दो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर द सेम. इन दोनों की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, सेम नहीं होती है,
भले ही इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, क्योंकि ये सभी किसके बने हुए, कार्बन के। एंड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, व्हाइल ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। अब डायमंड तो क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस आज तक का जितना भी हम जानते हो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस में आता है, और जबकि जो ग्रेफाइट है वो स्मूथ होगा, स्लिपरी होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि इसमें लेयर्स होती है, तो लेयर एक दूसरे के ऊपर स्मूथली मूव करती है, तो वही इसको क्या देता है, स्मूथ और स्लिपरी बना देता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अनलाइक अदर नॉन मेटल्स दैट यू स्टडीड इन प्रीवियस चैप्टर। तो ग्रेफाइट क्या है, एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे दूसरे नॉन मेटल्स क्या होंगे, वो बैड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। एंड डायमंड्स कैन बी सिंथेसाइज बाई सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी डायमंड को हम सिंथेटिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं कि अगर हम प्योर कार्बन लें और उसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर रखें तो वो क्या होगा, सिंथेटिक डायमंड बना देता है। तो दीज सिंथेटिक डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। ये डायमंड्स छोटे तो होते हैं लेकिन ये नेचुरल डायमंड से बिल्कुल अलग नहीं दिखाई दे सकते। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज फुलेरीन्स, फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। ठीक है, जो ये स्ट्रक्चर दे रखा है ये बकमिंस्टर फुलेरीन दे रखा है। बकमिंस्टर एक आर्किटेक्ट थे, इन्होंने इसी तरीके का स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग के ऊपर बनाया था। तो सेम जो कार्बन है जब स्टडी की गई तो ये जो फुलेरीन्स है इसमें C60 फुलेरीन दे रखा है, यानी कार्बन इसमें 60 है। तो द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 विच हैज कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल, कि जिसमें जो कार्बन एटम है वो फुटबॉल की शेप में कर रखे हैं। सिंस दिस लुक लाइक ए जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, द मॉलिक्यूल वाज नेम्ड फुलेरीन। तो क्योंकि ये बिल्कुल कैसा दिखाई देता है, डोम डिजाइन किया था जो एक US आर्किटेक्ट ने, उसको बकमिंस्टर फुलर नाम था उन आर्किटेक्ट का, तो उन्हीं के नाम पे इसको हम फुलेरीन का नाम से दे देते हैं। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं कि व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। तो ये आपको बताना है, इसमें एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो दोनों के साथ डबल बॉन्ड होंगे, तो इससे कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई होगी और ऑक्सीजन की भी। एंड व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो सल्फर है उसमें 8 एटम से बना होता है, यानी एटोमिसिटी जो होती है सल्फर की वो 8 होती है। आपको बनाना है द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर ज्वाइन टूगेदर टू फॉर्म ए रिंग। तो जो 8 एटम है सल्फर के, हिंट दे रखा है वो एक रिंग बना लेगा। तो इस तरह से सल्फर को लिखिए, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हर किसी के शेयर करते चले जाइए, एक एक सल्फर के साथ एक दूसरे सल्फर के साथ में, तो इस तरह से वो रिंग कंप्लीट हो जाएगा। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर होता है वो क्या है, वर्सेटाइल नेचर से अभी हमने पढ़ा भी था कि बहुत सारे तरीके होते हैं या बहुत सारी फॉर्म्स में, हमने एलोट्रोप से भी समझा, तो एक से ज्यादा तरीके के जो नेचर होता है कार्बन का उसी को हम वर्सेटाइल नेचर कहते हैं। ये अभी कहीं पे कुछ है दूसरी जगह कुछ और होगा। तो वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कि हमने पहले क्या देख चुके हैं कि फॉर्मेशन देख लिया हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स का, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डिफरेंट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के साथ में। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बन कंपाउंड मेथेन। हमने ये भी देखा कि एक सिंपल कार्बन कंपाउंड मेथेन का भी हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि किस तरह से वो शेयरिंग करके बनाता है इलेक्ट्रॉन की। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सो हाउ मेनी थिंग्स वी यूज कंटेन कार्बन। की बिगिनिंग में चैप्टर के हमने ये पता किया कि जितनी चीजें हम यूज करते हैं उनमें से कार्बन की कितनी है। तो इन फैक्ट वी आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। और अगर हम वास्तव में कहें तो हम सब भी किसके बने हुए हैं, कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। द नंबर्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। और नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड जिनके फॉर्मूला आज के टाइम में केमिस्ट को पता है वो लगभग मिलियंस से भी ज्यादा है।
This outnumbers by a large margin the compounds formed by all the other element put together. ठीक है कि ये आउट नंबर यानी इतना ज्यादा नंबर है कि अगर सभी एलिमेंट्स के हम कंपाउंड को भी रख लें तो उससे भी बहुत ज्यादा होगा. Why is it that this property is seen in carbon and no other element? तो ऐसा क्यों है कि जो ये प्रॉपर्टी हो कार्बन में ही दिखाई देती है और दूसरे एलिमेंट्स में नहीं दिखाई देती है. The nature of the covalent bond enables carbon to form a large number of compounds. और जो नेचर है कोवेलेंट बॉन्ड का वो एनेबल करता है कार्बन को ताकि वो क्या बना सके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बना सके. सो टू फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन आर वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जो उसे वर्सेटाइल बनाते हैं. द फर्स्ट इज कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू अ लार्ज मॉलिक्यूल. यानी जो कार्बन है उसकी टेंडेंसी है यूनिक एबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन से क्या कर सकता है बॉन्डिंग कर सकता है. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन. इसी प्रॉपर्टी को कार्बन की क्या बोलते हैं हम कैटेनेशन बोल देते हैं यानी दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड करके लार्ज मॉलिक्यूल बनाने की प्रॉपर्टी कैटेनेशन बोली जाती है. दीज कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग्स. तो इन कंपाउंड्स में या तो लॉन्ग चेन्स हो सकती है कार्बन की ब्रांच चेन भी हो सकती है कार्बन की या ये रिंग्स में भी अरेंज हो सकते हैं. इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स. इसके साथ साथ कार्बन एटम दूसरे कार्बन से या तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से भी बाइंड हो सकता है. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स. और वो कार्बन के कंपाउंड्स जो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड से ही आपस में जुड़े हुए हैं कार्बन कार्बन के बीच में उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं. और ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में डबल होगा वो सिंगल होगा तो सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल होता है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं. इन नेक्स्ट लाइन यू वुड कम टू नो दिस दैट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन देयर कार्बन एटम्स एंड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड. और अगर कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उन्हें अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं. No other element exhibit the property of catenation to the extent seen in carbon compound. So, जैसी catenation की capability carbon के compounds के अंदर मिलती है ऐसी और किसी compounds में या किसी elements की नहीं दिखाई देती. हालांकि silicon formed compound with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms but these compounds are very reactive. लेकिन जो सिलिकॉन है वो क्या करता है हाइड्रोजन से मिलके और लगभग 7 या 8 एटम्स की चेन बना सकता है लेकिन ये मेटल जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो रिएक्टिव होते हैं. द कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल. जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा इसलिए वो स्टेबल होता है. एंड दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर. और इससे हमें क्या मिलता है लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मिलते हैं बहुत सारे कार्बन एटम्स जिसमें जुड़े हुए होते हैं. तो पहली प्रॉपर्टी हमें समझ में आई कैटेनेशन की. देन सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन में 4 वैलेंसी है इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवेलेंट एलिमेंट. ठीक है जो कार्बन की वैलेंसी टेंडेंसी होती है वो 4 कार्बन एटम से भी जुड़ सकता है या दूसरे मोनोवेलेंट एलिमेंट से मोनोवेलेंट जिसकी वैलेंसी 1 होती है. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन. जो कंपाउंड्स है कार्बन के वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन और बहुत सारी जो दूसरी एलिमेंट होती है उनसे मिलता है. और क्या मिलेगा हमें एंड मेनी अदर एलिमेंट गिव राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. कि वो ऐसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देंगे जो एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि कार्बन किससे जुड़ा हुआ है किस मॉलिक्यूल के अंदर. अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्ड विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल. कि ये क्या करता है इन्हें स्टेबल बना देता है. वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट स्मॉल साइज. और दूसरा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने का वो स्मॉल साइज है कार्बन का. दिस एनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली. जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रॉन्गली होल्ड कर सकता है छोटा होने की वजह से. द बॉन्ड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर.
जबकि जो बॉन्ड जो बिगर एटम्स के बीच में बनेंगे वो वीकर होते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।